हेलो देश के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरी तरफ से एक वेरी वॉर्म वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सभी की नीट की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं हूँ अभिषेक और मैंने नीट 2021 और 22 को क्रैक किया है विद अ वेरी गुड स्कोर ऑफ लाइक 640। और अब मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नीट बेस्ड एक सीरीज जिसमें आपको NCERT के डिटेल लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा दी जाएंगी आपको ढेर सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगी NCERT के डाटा को फॉरएवर याद रखने के लिए। इसके अलावा DPPs, हैंड रिटन नोट्स और हमारे पास क्वेश्चन बैंक के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। और आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगा जो मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा था पिछले वीडियोस में उसके बारे में कि आप कैसे आसानी से याद रख सकते हो हमारे पास जितने भी एपिथीलियम के जो मैंने एग्जांपल्स कराए हैं उन्हें, ठीक है। पर ये जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होती है हम जो करते हैं, हम जब बार बार बेसिकली पढ़ते हैं तो उससे हम कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं और उन ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक्चुअल में ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जिसके थ्रू मैंने क्या करा आपको बेसिकली एक तरीके से इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना दी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्विमस जैसे मैंने बताया था, स्क्विमस के मैंने पहले से ही सारे याद करा रखे हैं, स्क्विमस का आप याद कर लेना। और इसके अलावा सीडो स्ट्रेटिफाइड वाला जो है जिसमें मैंने पोएम वाला एक तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी आपको, वो वाला याद कर लेना। और उसके बाद बेसिकली बाकी सब मैं आपको बता दूंगा और जो जो इसमें नहीं मतलब मैं ले पाऊंगा वो सब आपको डायरेक्टली ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एपिथीलियम क्या होता है ना बहुत डाइवर्स होता है, तो इसमें क्या होता है कि कई हम हर एक चीज़ को एक तरीके से इंक्लूड नहीं कर सकते एपिथीलियम की शॉर्ट ट्रिक के अंदर, ठीक है। तो मैं जितने भी बताऊंगा वो आप याद कर लेना और बाकी जो रह जाएंगे उन्हें डायरेक्टली याद कर लेना, हालांकि मैं ज़्यादातर बेसिकली इसमें ही कवर कर लूँगा, ठीक है ना। और मैं यही कहूँगा कि बेसिकली शॉर्ट ट्रिक आपको आती है अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्टली जितना आपको याद होगा ना उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी ना एग्ज़ाम में तो शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आती हैं, डायरेक्ट जो आप याद करते हो है ना वही याद बेसिकली आपका काम में आता है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक को शुरू करते हैं और ये शॉर्ट ट्रिक बेसिकली कैसे है, शॉर्ट ट्रिक के मैं आपको स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले आप बेसिकली क्या करोगे, चेक करोगे कि कहीं वो स्क्विमस का पार्ट तो नहीं है, ठीक है, जो भी बेसिकली हमारे पास एपिथीलियम है वो स्क्विमस का पार्ट तो नहीं है। दूसरी बात आप क्या चेक करोगे बेसिकली कि वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का तो कोई पार्ट नहीं है। और तीसरे में आप क्या करोगे हमारे पास जो मैं आपको एक लाइन बताऊंगा हर एक सिस्टम के बारे में, तो आप क्या करोगे उसे अप्लाई करके देखोगे और वहाँ पर आपका आंसर बेसिकली हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका की पॉइंट क्या है, मैंने पहले ही बता रखा है, इसका की पॉइंट ये है कि इसमें क्यूबॉइडल एपिथीलियम पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम मेजॉरिटी में होता है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम इसमें पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि इसमें हमारे पास क्या होता है क्यूबॉइडल एपिथीलियम पाया जाता है मेजॉरिटी में, ठीक है। और ये मैंने याद भी कराया था कि क्यूबॉइडल एपिथीलियम में, कि क्यूबॉइडल एपिथीलियम क्या होता है हमारे पास एक तरीके से, हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो होता है हमारे पास, एक मिनट, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है क्यूबॉइडल एपिथीलियम पाया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या पाया जाता है, हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथीलियम पाया जाता है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम हमारे पास क्या होता है पाया जाता है, ठीक है। अब कौन सा केस में पाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी सिस्टम को अगर मैं बात करूँ है ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, कैसे किस तरीके से डिवाइड करना है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले किसी भी सिस्टम को कोई भी पार्ट आएगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे उसे दो सिस्टम में, दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर दोगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम को कैसे डिवाइड करोगे, एक तरफ नेफ्रॉन में डिवाइड करोगे और नेफ्रॉन के अलावा बेसिकली हमारे पास जो बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम बच गया, ठीक है, जैसे किडनी वगैरह, ठीक है, यहाँ पर आप रेस्टोल लिख दोगे, रेस्टोल, ठीक है, रेस्टोल। अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या कहा नेफ्रॉन का डायग्राम बना देते हैं, नेफ्रॉन का मैंने एक डायग्राम बना दिया, ठीक है, PCT तो मैंने यहाँ दिखाई नहीं, ये हमारे पास नेफ्रॉन हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास नेफ्रॉन हो गया। और यहाँ मैं बाकी सिस्टम बना देता हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी हमारे पास, किडनी सबसे पहले, ठीक है, किडनी हो गया, नीचे हमारे पास यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर हो गया और ये हमारे पास यूरेथ्रा हो गई और ये हमारे पास यूरेटर्स हो गए, ठीक है, यूरेटर्स हो गई। और किडनी के अंदर जो पिरामिड्स होते हैं मैंने यहाँ पर वो बना दिए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक तरीके से सिस्टम। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नेफ्रॉन में और हमारे पास बाकी जितना भी बचा वो पार्ट है उसमें, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या चेक करना है कि कहीं स्क्विमस तो नहीं है, ठीक है, स्क्विमस तो नहीं है। तो स्क्विमस के एग्जांपल कौन कौन से थे, बोमेंस कैप्सूल सबसे पहले था, बोमेंस कैप्सूल, तो इसमें बोमेंस कैप्सूल है, ये रहा इसका बोमेंस कैप्सूल,
अब बोमेंस कैप्सूल जो होता है हमारे पास, बोमेंस कैप्सूल, उसमें क्या होता है हमारे पास, स्क्वैमस होता है, स्क्वैमस, ठीक है। इसके अलावा चेक करो कि हमारे पास एक तरीके से इसमें क्या हो गया, हमारे पास स्क्वैमस हो गया। अब इसके अलावा चेक करो कि इसमें कहीं हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड तो नहीं है, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल क्या था, पी ओ ई एम, पैरोटिड ग्लैंड, ये तो सेलेबरी ग्लैंड होता है तो इसमें तो कहीं आ नहीं सकता सेलेबरी ग्लैंड। ऑल्फैक्ट्री नाक में होता है तो यूरिनरी सिस्टम में तो कहीं पर भी नहीं आ सकता। एपिडिडाइमस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है तो इसमें नहीं आ सकता। मेल यूरेथ्रा, ये रे यूरेथ्रा है ना, तो यहाँ पर लिख लेना हमारे पास एक्सेप्ट मेल यूरेथ्रा, ठीक है, एक्सेप्ट मेल यूरेथ्रा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर दो एक्सेप्शन आ गई, क्या हमारे पास स्क्वैमस और हमारे पास मेल यूरेथ्रा। इसके अलावा जितना भी हमारे पास टिश्यू बचा है, ठीक है ना, सॉरी जितना भी हमारे पास इस नेफ्रॉन का पार्ट बचा है इस बोमेंस कैप्सूल के अलावा, उसमें क्या होता है हमारे पास क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल। नेफ्रॉन में क्या होता है, क्यूबॉइडल, ये हमने पढ़ भी रखा है। जब मैंने क्यूबॉइडल बताया था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि क्यूबॉइडल जो होता है उसकी एक, उसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में पाया जाता है। तो ये बाकी जितना ही बचा है ट्यूबुलर पार्ट ही है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या पाया जाएगा, क्यूबॉइडल, ये मैंने समझा ही रखा है। तो जितना भी बाकी पार्ट बचा उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, नेफ्रॉन, और इसमें जितना भी बाकी पार्ट बचा उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट करके अप्लाई करनी है कि हमारे पास क्या होता है, नेफ्रॉन में हमारे पास क्यूबॉइडल ही पाया जाएगा, एक्सक्रीटरी में आपको मैंने पहले ही बता रखा है, इसे यूरोथीलियम भी बोलते हैं, इसलिए यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है, तो ट्रांजिशनल एपिथीलियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले चेक करो बोमेंस कैप्सूल, तो वो सॉरी सबसे पहले चेक करो स्क्वैमस तो नहीं है, स्क्वैमस आ गया बोमेंस कैप्सूल, उसके अलावा नेफ्रॉन जितना भी बचा क्यूबॉइडल आ गया, ठीक है। तो मैं पूछूं पीसीटी क्या होता है, तो पीसीटी नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ठीक है, पीसीटी हमारे पास क्या होता है, नेफ्रॉन का पार्ट होता है और बोमेंस कैप्सूल के अलावा है, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कौन सा आएगा, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ऐसे ही मैं बात करूं डीसीटी, तो डीसीटी में भी क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ऐसे ही बात करूं किडनी, सॉरी किडनी कह रहा रीनल पेल्विस, ठीक है ना, रीनल पेल्विस या रीनल कैलिसिस बेस के लिए यहाँ पर बात करूँ, तो रीनल पेल्विस और रीनल कैलिसिस बेस के लिए यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन, एक्सक्रीटरी सॉरी एक्सक्रीटरी सिस्टम के कौन से वाले पार्ट में आते हैं, रेस्टोल वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर बाकी सारे आ गए। अब रेस्टोल वाले पार्ट में आ गए, मेल यूरेथ्रा के अलावा बेसिकली यहाँ पर सभी के अंदर क्या होता है हमारे पास, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेसिकली यहाँ पास, और रीनल कैलिसिस और रीनल पेल्विस में हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करा, नेफ्रॉन में रेस्टोल में। नेफ्रॉन वाले पार्ट की शॉर्ट ट्रिक है कि उसमें क्यूबॉइडल होगा, रेस्टोल वाले पार्ट की हमारे पास एक तरीके से ट्रिक क्या है बेसिकली यहाँ पास, कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम होगा उसके अंदर, ठीक है ना। अब अगर कोई भी हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड आता है, मान लो हमारे पास आ गया रीनल कैलिसिस, ठीक है, तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा रीनल कैलिसिस एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमने नेफ्रॉन में डिवाइड करा था, रेस्टोल में डिवाइड करा था, तो रीनल कैलिसिस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रेस्टोल वाला का पार्ट होता है, हमारे पास नेफ्रॉन वाले का पार्ट नहीं होता, तो रेस्टोल वाले में जाएंगे। अब रेस्टोल वाले में सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कहीं हमारे पास स्क्वैमस तो नहीं है, तो स्क्वैमस में आते हैं बोमेंस कैप्सूल, एल्वोलाई, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, तो उसमें से किसी में भी रीनल कैलिसिस का नाम नहीं आता, इसका मतलब ये स्क्वैमस का पार्ट नहीं है। अब क्या चेक करोगे, पैराटॉइड को तो नहीं है, सॉरी सूडो स्ट्रेटिफाइड का तो नहीं है, सूडो स्ट्रेटिफाइड में आता है पी ओ ई एम, ठीक है ना, पैराटॉइड हमारे पास, सॉरी पैराटॉइड की डक्ट आती है, ऑल्फैक्ट्री आते हैं, इसके अलावा हमारे पास एपिडिडाइमिस होता है और मेल यूरेथ्रा, तो तीनों में से किसी में भी नहीं आता, इसका मतलब रीनल कैलिसिस का क्या हो जाएगा इसलिए यहाँ पास, ट्रांजिशनल एपिथीलियम आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर कोई और पूछ लूँ, मैं मान लो पूछ लेता हूँ कि पीसीटी का बताऊँ, तो पीसीटी किस में आता है हमारे पास, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के नेफ्रॉन वाले पार्ट में आता है या फिर हमारे पास रेस्टोल वाले पार्ट में, तो नेफ्रॉन वाले पार्ट में आता है। नेफ्रॉन वाले पार्ट में मैं आया, सबसे पहले मैंने चेक करा कि स्क्वैमस में तो नहीं, सॉरी हाँ ठीक है, स्क्वैमस तो नहीं है, तो पीसीटी में स्क्वैमस नहीं होता। फिर मैंने चेक करा सूडो स्ट्रेटिफाइड तो नहीं है, पी ओ ई एम, तो मैंने देखा कि उसमें भी किसी में भी नहीं आता, तो नेफ्रॉन की फिर हम क्या लगा देंगे, आराम से ट्रिक लगा देंगे, और नेफ्रॉन की ट्रिक है कि इसमें हमारे पास क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम की ट्रिक थी, इसे याद कर लें, ठीक है। और अब पढ़ते हैं हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इससे थोड़ा सा ईजी है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसकी हम आपस बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ,
ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसा कि मैंने कहा था कि किसी भी सिस्टम की हम बात करेंगे तो सबसे पहले उसे क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसे कैसे करेंगे, पेट से ऊपर ऊपर वाले पार्ट से हम ऐसे करके डिवाइड कर देंगे। हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को कैसे करा था, नेफ्रॉन और रेस्ट्रॉन। इसमें हम क्या करेंगे, एक पेट से ऊपर वाला हो जाएगा, एक पेट से हमारे पास नीचे वाला हो जाएगा। जो पेट है हमारे पास, ठीक है ना, उससे एक ऊपर वाला, उससे बेसिकली हमारे पास नीचे वाला। अब इसमें क्या होता है ना, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसमें एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक है। एक सिंपल होता है हमारे पास, सॉरी हाँ ठीक है, एक सिंपल होता है, एक हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड होता है। अब किस वाले में सिंपल होता है, किस वाले कंपाउंड में होता है, वो आप कैसे चेक करोगे, देखो इस लाइन पर खड़े हो जाओ और ऊपर वाले की तरफ देखो। ऊपर वाले की तरफ जब आप देखोगे तो आपको किसी का भी एक तरीके से एपिथीलियम का नाम पता ही नहीं है, ठीक है ना। ना तो आपको पता है बेसिकली यहाँ पास फेरिंग्स में कौन सा होता है, बकल कैविटी में कौन सा होता है, इसोफेगस में क्या होता है, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करो, बेसिकली पास नीचे की तरफ आ जाओ। नीचे की तरफ आपको पेट के बारे में क्या पता है, ठीक है, पेट के बारे में भी आपको एपिथीलियम तो इसका भी नहीं पता कि पेट के अंदर बेसिकली यहाँ पास एपिथीलियम होता कौन सा है। लेकिन पेट के बारे में आपको एक चीज़ पता है कि इसके अंदर एसिड होता है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एसिड होता है। और यहाँ पर एसिड से जो बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करता है वो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस की लेयर। वो क्या होती है, बेसिकली हमारे पास म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है ना। और हमने पहले ही बात कर रखी है, अगर मैंने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ कि म्यूकस जो होता है बेसिकली हमारे पास पेट के अंदर रिलीज होता है गॉबलेट सेल से, ठीक है ना। तो ये जो म्यूकस की कवरिंग है, म्यूकस की कवरिंग है, ये हमारे पास गॉबलेट सेल से बेसिकली हमारे पास रिलीज होते हैं, गॉबलेट सेल से बेसिकली यहाँ पास रिलीज होता है। सभी को पता होता है यूजुअली कि एसिड है, एसिड से हमें म्यूकस प्रोटेक्ट करते हैं, और म्यूकस जो होता है वो गॉबलेट सेल से बेसिकली यहाँ पास रिलीज होते हैं। और ये जो गॉबलेट सेल होते हैं ना, जहाँ पर भी हमें दिखता है, ये गॉबलेट सेल हम आँख बंद करके लिख सकते हैं कि हमारे पास सिंपल कॉल्यूमनार टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, सिंपल कॉल्यूमनार टिश्यू, वो भी नॉन सिलिएट वाला, ठीक है, नॉन सिलिएट। वैसे भी सिलिया तो पेट में होता नहीं है ना, ये तो सभी को पता है। तो सिंपल कॉलमनार बेसिकली यहाँ पास टिश्यू हमारे पास पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो कि सिंपल कॉलमनार टिश्यू आपके पास पाया जाता है, सिंपल कॉलमनार टिश्यू बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आपके पास पाया जाता है। अगर आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते तो दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इंटेस्टाइन में आ जाओ। अब आपको पता है इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाइज होती है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, माइक्रोविलाइज होती है। और एकमात्र एपिथीलियम जो होता है हमारे पास, जिसके पास माइक्रोविलाई होती है, ठीक है ना, माइक्रोविलाई, जिसे मैंने बोला था ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, ठीक है ना, माइक्रोविलाई, जिसके पास भी माइक्रोविलाई होती है, मैंने पहले ही बता रखा है, जिसके पास भी माइक्रोविलाई होती है उसे ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम बोलते हैं, ठीक है। तो एकमात्र बेसिकली यहाँ पास जो टिश्यू जिसके पास हमारे पास ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम होता है वो होता है हमारे पास एक तरीके से सिंपल कॉलमनार टिश्यू। सिंपल कॉलमनार टिश्यू ही हमारे पास क्या हो सकता है, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम हो सकता है उसके अंदर। उसके पास बेसिकली यहाँ पास वो क्या होता है, मेनली ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम उसके पास होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा PCT के पास भी होता है, लेकिन PCT सिर्फ एक एग्जांपल होता है जो कि बॉयडल का होता है। उसके अलावा ज़्यादातर अगर मैं बोलता हूँ कि ब्रश बॉर्डर होने के ज़्यादा चांसेस किस में है तो वो होते हैं कॉलमनार के अंदर, सिंपल कॉलमनार के अंदर, ठीक है। सिंपल कॉलमनार हमारे पास टिश्यू, मैं फिर से समझा देता हूँ। पेट में हमारे पास एसिड होता है, एसिड से हमें प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, म्यूकस रिलीज होता है गॉबलेट सेल से, और गॉबलेट सेल्स हमारे पास सिंपल कॉलमनार टिश्यू में ही प्रेजेंट होते हैं, सिंपल कॉलमनार टिश्यू में ही हमारे पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड में हो सकते हैं, कंपाउंड में नहीं हो सकते, कंपाउंड वाला सिर्फ प्रोटेक्शन करता है, सिक्रीशन नहीं करता, ठीक है। तो कंपाउंड वाला सिर्फ प्रोटेक्शन करता है, सिक्रीशन नहीं करता, इस वजह से ये सिर्फ हमारे पास सिंपल टिश्यू में हो सकते हैं। सिंपल टिश्यू हमारे पास सिक्रीशन करने की कैपेसिटी उसके पास होती है, ठीक है ना। तो सिंपल हो गया, कॉलमनार हो गया, और हमारे पास टिश्यू हो गया। इसके अलावा दूसरा मैंने क्या बताया, माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है, और जो भी माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है वो कॉलमनार में प्रेजेंट होती है। और कॉलमनार का भी कौन सा वाला हिस्सा, सिंपल कॉलमनार में हमारे पास माइक्रोविलाइज प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। अब बात आती है कि ऊपर वाले पार्ट में कौन सा होगा। ऊपर वाले पार्ट में क्या करो, ये जो SC है ना, SC सिंपल कॉलमनार, इसका उल्टा कर दो, CS, ठीक है ना, C फॉर कंपाउंड, S फॉर स्क्विमस, कंपाउंड स्क्विमस एपिथीलियल टिश्यू, ठीक है ना। फिर से एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ इस ट्रिक को। ट्रिक क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करना, पेट से ऊपर वाला, पेट से नीचे वाला। ऊपर वाले का आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि उसमें एक में कंपाउंड होता है, आपको पता है एक में सिंपल होता है, ठीक है ना। तो पेट से नीचे है, पेट में देखा, पेट में क्या होता है हमारे पास, एसिड, एसिड से प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, म्यूकस बेसिकली यहाँ पास कहाँ से रिलीज होता है, गॉबलेट सेल से। और जो गॉबलेट सेल होते हैं वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल कॉलमनार टिश्यू के अंदर पाए जा सकते हैं, सिंपल कॉलमनार टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल कॉलमनार टिश्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे ऊपर वाले का देखना है, ऊपर वाले के लिए मैंने क्या करा, SC को उल्टा कर दिया, CS कंपाउंड स्क्विमस टिश्यू, यहाँ पर क्या आ गया, कंपाउंड स्क्विमस टिश्यू, ठीक है। तो अगर मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है ना, तो जैसे मान लो कि मुझसे पूछा कि बकल कैविटी में बताओ, तो मैं क्या देखूंगा, बकल कैविटी पेट से ऊपर वाले हिस्से में, बकल कैविटी कहाँ, पेट से ऊपर वाले हिस्से में। और ऊपर वाले हिस्से में क्या होता है, नीचे वाले का एकदम उल्टा, ठीक है, नीचे वाले का एकदम उल्टा। तो पेट के नीचे क्या होता है, सिंपल कॉलमनार, ऊपर क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पास,
कंपाउंड स्क्यूमस, ठीक है ना, कंपाउंड स्क्यूमस, सिंपल कॉलमनर एससी, ऊपर क्या हो जाता है सीएस, ठीक है ना, सीएस कंपाउंड स्क्यूमस, यानी बक्कल कैविटी में क्या हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड स्क्यूमस एपिथेलियम। ऐसे मैं बात कर लूँ ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस भी ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बेसिकली पेट से ऊपर वाला हिस्सा, उसमें क्या होता है नीचे वाले हिस्से जो हमारे पास होता है, ठीक है, पेट से सॉरी वो डायफ्राम जो होता है हमारे पास डायफ्राम, उससे नीचे वाला जो हिस्सा होता है बेसिकली हमारे पास पेट का, उसमें कौन सा होता है सिंपल कॉलमनर, और ऊपर वाले में क्या होता है उससे बिल्कुल उल्टा कंपाउंड स्क्यूमस, कंपाउंड स्क्यूमस, ठीक है ना। तो एक तरीके से इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला वाला जो है हमारे पास ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है डाइजेस्टिव सिस्टम की, कैसे याद करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद होते रहेंगे, ठीक है, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी थी, इसके बाद मुझे सिस्टम्स के अकॉर्डिंग याद होने लगे, धीरे धीरे करोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं एंडोक्राइन की, नर्वस सिस्टम की और एंडोक्राइन सिस्टम की, ठीक है, नर्वस सिस्टम की और एंडोक्राइन। तो नर्वस में तो आपके पास कोई भी हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, नर्वस सिस्टम में तो हमने कोई नहीं पढ़ा, एंडोक्राइन सिस्टम आ जाते हैं। एंडोक्राइन में हमने एक ही पढ़ा है थायरॉइड वेसिकल्स का, ठीक है, और इसमें कौन सा होता है आपको पता है क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल। अब क्यूबॉइडल की और भी एग्जांपल है जो मैं यहाँ पर एक अट्टे बता देता हूँ, ठीक है ना, होते हैं। और एंडोक्राइन के अलावा हमारे पास हमने दो ग्लैंड्स पढ़े, एक सेलिवरी पढ़ा है और एक पढ़ा हमने पैनक्रियास, ये दो ग्लैंड पढ़े। इसके अंदर भी क्या होता है हमारे पास क्यूबॉइडल होता है, इसके अंदर भी क्या होता है हमारे पास क्यूबॉइडल, बस अब फ़र्क क्या है बेसिकली हमारे पास कि सिंपल केस में होता है और बेसिकली हमारे पास कंपाउंड केस में होता है, ठीक है ना, इसमें भी क्यूबॉइडल होता है। तो सबसे पहले बेसिकली इसमें सिंपल होता है, ठीक, इसमें तो सिंपल आँख बंद करके सिंपल, ठीक है ना, इसमें आँख बंद करके सिंपल। सेलेवरी में क्या चेक करोगे, ठीक है ना, सेलेवरी में क्या चेक करोगे, तीन ग्लैंड होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है बेसिकली हमारे पास, मैंने बताया इसके अंदर क्यूबॉइडल होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेक करो स्क्यूमस होता है, तो सेलिवरी के अंदर कोई भी स्क्यूमस एपिथेलियम नहीं देखने को मिलता। पैरेट वो सुडो स्ट्रेटिफाइड होता है, तो याद करो POEM पैराटोइड, पैराटोइड क्या होता है हमारे पास एक सेलिवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, पैराटोइड क्या होता है हमारे पास सेलिवरी ग्लैंड होता है। तो यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हो पैराटोइड ग्लैंड। पैराटोइड में हमारे पास क्या होता है सुडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, मतलब इसकी डक्ट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, डक्ट्स ऑफ पैराटोइड में हमारे पास क्या होता है सुडो स्ट्रेटिफाइड, और बाकी सब मैक्सिलरी सब मैंडिबल, ठीक है ना, और सब लिंगवल जो होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, उनके डक्ट्स के अंदर क्या होते हैं डक्ट्स ऑफ रेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, उनके अंदर क्या होता है हमारे पास क्यूबॉइडल, ठीक है। पैनक्रियाज में क्या है, पैनक्रियाज की लार्ज डक्ट होती हैं और स्मॉल डक्ट होती हैं, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, स्मॉल डक्ट है उसमें सिंगल लेयर होगी, लार्ज डक्ट है उसमें मल्टीपल्स लेयर होंगी। तो सिंगल लेयर वाली में हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे स्मॉल पैनक्रियाज की डक्ट होती है उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास एक तरीके से सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास कंपाउंड क्यूबॉइडल, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास गोनाइड्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज, इसके अंदर एक जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास जर्मिनल एपिथेलियम होता है जो कि हमारे पास क्या होता है एक तरीके से, ये भी हमारे पास क्या होता है क्यूबॉइडल इन नेचर होता है, सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने क्या बताया कि एंडोक्राइन, गोनाड्स, पैनक्रियास और मतलब सेलेवरी ग्लैंड, इसमें जब भी इनका में से किसी का नाम आ जाए, ठीक है ना, मतलब थायरॉइड का नाम आ जाए, थायरॉइड वेसिकल्स का नाम आ जाए, गोनाड्स का नाम आ जाए, टेस्टिस और ओवरीज का, पैनक्रियास का नाम आ जाए, इसके यहाँ पर सेलेवरी डक्ट्स का भी इसके यहाँ पास नाम आ जाए, तो आराम से आप सोच सकते हो इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हमारे पास कि उसके अंदर क्या होगा हमारे पास क्यूबॉइडल होगा, ठीक है। अब बात आती है सिंपल होगा या फिर हमारे पास एक तरीके से सिंपल होगा या फिर हमारे पास कंपाउंड होगा, तो सिर्फ पैनक्रियास को छोड़ के बाकी सब में हमारे पास सिंपल होगा, ठीक है, बाकी सब में सिंपल होगा, सिर्फ पैनक्रियास की लार्ज डक्ट में हमारे पास क्या होता है हमारे पास कंपाउंड होता है। और इसका तरीका मैंने आपको बता भी दिया कि स्मॉल डक्ट है और लार्ज डक्ट है, स्मॉल डक्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल, और हमारे पास लार्ज डक्ट में क्या हो जाएगा मल्टीपल लेयर उसमें हो सकती है, इस वजह से उसके अंदर क्या हो जाएगा कंपाउंड एपिथेलियम। तो इसे एक बार देख लो, ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। एंडोक्राइन इसके अंदर सिर्फ एक ही पढ़ना है आपको, नर्वस में तो कोई पढ़ना ही नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम में आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है थायरॉइड वेसिकल्स,
गोनैड्स जो हमारे पास होते हैं उसके अंदर आपको एक ही क्या पढ़ना है, जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम टेस्टिस और ओवरीज दोनों के अंदर होते हैं। इसके अंदर भी क्यूबॉइडल होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं सलेवरी और पैनक्रियास, इन सबको इकट्ठा पढ़ना है। इन सभी के अंदर हमारे पास इसकी शॉर्ट ट्रिक है इन सभी की, कि इन सभी के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्यूबॉइडल होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया नेफ्रॉन की, ठीक है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, कि उसके अंदर हमारे पास क्यूबॉइडल हो सकते हैं। दूसरे की हमारे पास रेस्ट्रॉल की क्या थी हमारे पास, कि हमारे पास रेस्ट्रॉल जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम बच गया उसकी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या थी, कि उसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगा, ठीक है ना। फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो पेट से डायफ्राम से नीचे वाली पार्ट था उसके हमने कि एक तरीके से उसकी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या थी, कि उसके अंदर सिंपल कॉलमनार होगा, और उससे ऊपर वाले की हमने क्या पढ़े कि उसका उल्टा हो जाएगा, कंपाउंड स्क्विमस हो जाएगा। ऐसे इसमें हम सब इन सब की शॉर्ट ट्रिक क्या है, कि इन सब में हमारे पास एक तरीके से क्यूबॉइडल हो जाएगा, ठीक है। और क्यूबॉइडल होने के बाद शॉर्ट ट्रिक होगी, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले स्क्विमस को चेक करोगे, उसके बाद हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड को चेक करोगे। अगर वो दोनों नहीं है आराम से शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। सिंपल चेक कर रहा हूँ या फिर हमारे पास कंपाउंड चेक कर रहा हूँ, तो कंपाउंड सिर्फ हमारे पास पैनक्रियाज में होता है, इसके अलावा बाकी हमारे पास एक तरीके से कंपाउंड नहीं होता। तो मैं पूछूँ भाई इसके लिए, जैसे कि लार्ज डक्ट ऑफ पैनक्रियाज, तो मैंने बताया था पैनक्रियाज के अंदर भी इसके यहाँ पास क्यूबॉइडल होता है, ठीक है। अब सिंपल या कंपाउंड, तो लार्ज की बात करिए, स्पेसिफाई करें लार्ज, तो लार्ज मतलब एक तरीके से इसके अंदर क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम। मैं बात करूँ जर्मिनल एपिथेलियम, तो मैंने जर्मिनल एपिथेलियम में बताया था गोनैड्स के अंदर होता है, गोनैड्स के अंदर भी इसलिए अगर बात कर रहे हैं हमारे पास, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ हमारे पास कोई और ले लेते हैं कि थायराइड की, थायराइड में तो मतलब एक ही है हमारे पास एंडोक्राइन का पार्ट, और ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम होता है, ठीक है। जिन्हें इन सिस्टम की थोड़ी बहुत जानकारी हो ना, वही इस शॉर्ट ट्रिक को करे, है ना। जिसे जानकारी नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो क्या करे, एनाटॉमी पढ़े और उसके बाद हमारे पास इस शॉर्ट ट्रिक को एक तरीके से करे, तब तक वो हमारे पास क्या कर सकता है, आराम से उसे याद करके हमारे पास अपने काम चला सकता है, ठीक है ना। वो इस शॉर्ट ट्रिक को तब समझ पाएगा जब उसे एनाटॉमी या फिर कम से कम थोड़े बहुत सिस्टम्स की जानकारी होगी, है ना, तभी समझ सकेगा वो इसे। नहीं तो वो सिर्फ इसे कन्फ्यूज़ होकर बेसिकली क्या करेगा, जो उसे आता है वो भी भूल जाएगा। तो जिसे ये सिस्टम्स के बारे में जानकारी नहीं है कि टेस्टिस गोनैड्स बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूं, तो वो क्या करे, इसे बाद में पढ़ ले, जब एनाटॉमी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद पढ़ ले, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और रेस्पिरेटरी वाले जो हमारे पास सिस्टम रह गया, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी में क्या होता है ना, एक ही इसकी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, इसे क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइड करोगे, ठीक है ना। ये मैंने क्या बनाया बेसिकली यहाँ पर, ये ट्रैक है, ये ब्रॉन्ची है, ये ट्रैक है, ठीक है, ये ब्रॉन्ची है, ठीक है, ब्रॉन्ची यहाँ कहाँ तक है, ब्रॉन्ची ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये यहाँ तक ब्रॉन्ची है, ठीक है। इसके नीचे जो बेसिकली यहाँ पर है वो ब्रॉन्ची होल्स है, ठीक है, वो क्या हमारे पास एक तरीके से वो हमारे पास क्या है, ब्रॉन्चियोल्स है। तो रेस्पिरेटरी वाले की ट्रिक क्या है, देखो कि पाइप जो है ना वो धीरे धीरे हमारे पास पतली होती जा रही है। अब जैसे पाइप धीरे धीरे पतली होती जाएगी, तो धीरे धीरे इसके अंदर जो एपिथेलियम है ना वो भी कंप्रेस होता जाएगा। कैसा होता जाएगा हमारे पास, कंप्रेस। तो सबसे पहले इसका जो एक आपने पढ़ी रखा हो होगा, जिसे मैंने बोला ही था कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वाला याद रख लेना, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, तो आपको पता होगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की ट्रैकिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, ब्रॉन्ची के अंदर क्या होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है। तो यहाँ पर शुरुआत की सीरी ट्रैकिया से, तो सबसे पहले सूडो स्ट्रेटिफाइड बना लो, ठीक है। ये कॉलमनार है, सूडो स्ट्रेटिफाइड बेस यहाँ पर कैसे होता है, कॉलमनार जैसे ही होता है, बस कुछ सेल हमारे पास थोड़े ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा है, तो इसे धीरे धीरे क्या करो, कंप्रेस करते जाओ। अब ऊपर से इसे क्या करो, प्रेशर लगाओ, ठीक है ना, ऊपर से भी इसलिए बस ऐसा इमेजिन करो कि इस पर प्रेशर लग रहा है। अब प्रेशर लगेगा तो ये कैसा हो जाएगा, अब इक्वल लेयर का हो जाएगा, इक्वल लेयर का, ठीक है ना। और प्रेशर लगेगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा क्यूब जैसा, अभी तो ये कॉलम जैसा था, पिलर जैसा था, अब कैसा हो जाएगा, क्यूब जैसा। और इससे भी ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो कैसा हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पास स्क्वायर, फ्लैट स्क्वायर जैसा, कैसा हो जाएगा, फ्लैट स्क्वायर जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें धीरे धीरे प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा, कि धीरे धीरे पाइप छोटी हो रही है तो उसके हिसाब से एपिथेलियम भी हमारे पास क्या होगा, छोटा। तो सबसे पहले सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड कहाँ होता है हमारे पास, ट्रैकिया के अंदर, ये मैंने याद करने के लिए कहा था, सूडो स्ट्रेटिफाइड। ब्रॉन्ची के अंदर भी बेसिकली यहाँ पर सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है, ये आपको याद ही होना चाहिए, ये मैंने बोला था कि सूडो स्ट्रेटिफाइड याद रख लेना, ठीक है। या फिर अगर ये याद नहीं है तो ऐसे याद रख लो कि जो इसका मेजर पोर्शन होता है ना, मेजर पोर्शन, उसमें सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेजर पोर्शन में वापस क्या होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो मेजर पोर्शन देखो, तीन ही पोर्शन है इसके,
ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, मेजर मतलब इनमें से एटलीस्ट दो में होगा, है ना, आधा आधा तो कर नहीं सकते क्योंकि मैंने कहा मेजर में होगा, मेजर मतलब एटलीस्ट दो में होगा, है ना। तो इन दोनों में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब इन दोनों में सूडो स्ट्रेटिफाइड हो गया तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलमनार। ये हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड था, इसको मैंने प्रेशर उस पर बेसिकली हमारे पास प्रेशर लगाया, कॉलमनार बना दिया, ठीक है। तो ये जो इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल्स हैं, इनमें क्या हो जाएगा हमारे पास कॉलमनार, ठीक है। और प्रेशर लगाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास क्यूबॉइडल। तो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से हमारे पास क्यूबॉइडल, ठीक है। और प्रेशर लगाया, स्क्वायर जैसा बन गया, तो इस एल्वोलाई के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बाकी तो एल्वोलाई बची, इनिशियल ब्रोंकियल हो गया, टर्मिनल ब्रोंकियल हो गया, तो एल्वोलाई बची, इसके अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वैमस, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, एक बार लिख लो और दोबारा से हम एक बार सभी एपिथीलियम के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं एक बार दोबारा से, हम सभी के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ स्क्वैमस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये सिंपल वाले थे, यहाँ पर मैं कंपाउंड वाले लिख लेता हूँ, स्क्वैमस कंपाउंड वाला ये, ठीक है, क्यूबॉइडल, कॉलमनार हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसा कि सबसे पहले स्क्वैमस और जो आपको याद है वो तो लिख ही लेते हैं, बोमेंस कैप्सूल हो जाएगा, बोमेंस कैप्सूल हो गया, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हो गया, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ, सॉरी गलत बोल गया, सॉरी गलत से लिख लिया, बोमेंस कैप्सूल हो गया, एल्वोलाई हो गया, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल हो गया, एल्वोलाई हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, लिम्फ वेसल्स हो गए, ठीक है, लिम्फ वेसल्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास पेरिटोनियम, ये तो मैंने डायरेक्ट याद करने के लिए कहा था, ठीक है, और पेरिकार्डियम, ठीक है। और इसके अलावा मैंने सूडो स्ट्रेटिफाइड को डायरेक्ट याद करने के लिए कहा था, सूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या हो जाएगा, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। सिलेटेड वाले में हमारे पास क्या एग्जांपल हो जाएगा, ट्रैकिया, ब्रांची, और इसके क्या हो जाएंगे हमारे पास, पोयम, इसके क्या हो जाएंगे हमारे पास एक तरीके से पोयम, ठीक है। अब बाकियों की बात करते हैं कि कॉलमनर किस में, क्यूबॉइडल किस में, ठीक है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम को पेट के बीच से डिवाइड कर लो, पेट के बीच के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें एसिड होता है, एसिड से प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकस, और म्यूकस जो है बेसिकली यहाँ पास किससे रिलीज होते हैं, गॉबलेट सेल से, किससे रिलीज होता है, गॉबलेट सेल से। और गॉबलेट सेल किस में होते हैं, सिंपल कॉलमनार के अंदर। तो सिंपल कॉलमनार के अंदर क्या आता है, सिंपल कॉलमनार के अंदर, ये सिंपल वाले हैं, ठीक है, सिंपल और ये कंपाउंड है, ठीक है, सिंपल कॉलमनार। तो सिंपल कॉलमनार के अंदर क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पास सिंपल कॉलमनार के अंदर नीचे जो डायफ्राम है उससे नीचे वाला हिस्सा, यानी कि हमारे पास स्टमक और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, ठीक है। और सिलिएट वाले या नॉन सिलिएट में तो सिंपल बता सकते हो, पेट में कोई सिलिया तो होता नहीं है, तो ये सिलिएटेड वाले फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, सिलिया वाले में, नॉन सिलिएटेड, सॉरी नॉन सिलिएटेड वाले में हमारे पास क्या जाएगा, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो दो एग्जांपल हो गए। अब पेट के ऊपर वाले हिस्से में क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने याद कहा था सिंपल कॉलमनार, तो वहाँ पर कंपाउंड स्क्वैमस, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल कॉलमनार, कंपाउंड स्क्वैमस, ठीक है ना, सिंपल कॉलमनार और कंपाउंड स्क्वैमस। तो कंपाउंड स्क्वैमस में क्या लिख सकते हो, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, बक्कल कैविटी, कैविटी, ईसोफेगस, फेगस, फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ऊपर वाले पोर्शन में हो गए। अब मैंने क्या कहा था बेसिकली, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में आओ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने क्या कहा था, नेफ्रॉन में डिवाइड करो और हमारे पास रेस्ट हॉल में। तो नेफ्रॉन की बात करें हमारे पास नेफ्रॉन में, तो नेफ्रॉन में सबसे पहले हमारे पास क्या था, वो क्या बोलते हैं हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर जितना भी पोर्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्यूबॉइडल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइडल के अंदर क्या चेक करेंगे कि कहीं वो हम स्क्वैमस में तो नहीं है, तो बोमेंस कैप्सूल हमारे पास क्या गया, स्क्वैमस में, ये तो हमने पहले लिख दिया। तो बोमेंस कैप्सूल के अलावा जितना भी बचा वो हमारे पास किस में आ जाएगा, क्यूबॉइडल में, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ क्यूबॉइडल में, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ बेसिकली क्यूबॉइडल के अंदर, पी सी टी, डी सी टी,
ठीक है ना, और जितना भी ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, क्योंकि बोमेंस कैप्सूल तो ऊपर स्क्वैमस में आ गया, बाकी जो बचा वही नीचे आएगा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ये किसके अंदर आ गया हमारे पास, इसके अंदर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास किसके अंदर आ गया, क्यूबॉइडल के अंदर। और अगर मैं पूछूं सीलिया है या नहीं, तो सीलिया देखो हमारी बॉडी में सिर्फ एक तो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब में होता है, और एक हमारे पास हमारी रेस्पिरेटरी जो भी इसके पास ट्यूब होती है उसके अंदर होता है। तो ये हमारे पास ना तो रेस्पिरेटरी ट्यूब का हिस्सा है ना फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा है, तो इसमें सीलिया हमारे पास नहीं होगा, तो ये नॉन सीलिएट वाले में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर मैंने क्या कहा था कि एंडोक्राइन सिस्टम में, देखो एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने क्या कहा था, एंडोक्राइन सिस्टम, गोनाड्स और ग्लैंड्स, ये तीन शब्द हैं बेसिकली। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यूबॉइड। तो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने सिर्फ एक ही की बात करी थी, थायरॉइड वेसाइकल। तो थायरॉइड वेसाइकल भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, थायरॉइड वेसाइकल। इसके बाद गोनाड्स, गोनाड्स के अंदर बेसिकली हमने बात करी थी जर्मिनल एपिथीलियम की, ठीक है, एपिथीलियम की। और इसके बाद हमने बात करी थी सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो यहाँ पर डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पैनक्रियास, ठीक है। अब इसमें चेक कर लो कि डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में कोई हमारे पास स्क्वैमस में तो नहीं है, तो स्क्वैमस में तो कोई भी नहीं है। अब डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में हमारे पास कोई, क्या हमारे पास एक तरीके से सूडो स्ट्रैटिफाइड में है, तो सूडो स्ट्रैटिफाइड में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, हमारे पास पैराटॉइड वाला, ठीक है, पैराटॉइड वाला आ जाएगा। आई बस समझ। और मैंने एक और बात बताई थी कि पैनक्रियास की स्मॉलर डक्ट्स इसमें आती है और लार्जर डक्ट्स कहाँ आती है हमारे पास, यहाँ इस वाले की बॉडल में, कंपाउंड वाले की बॉडल में। तो यहाँ पर क्या जाएंगे हमारे पास, लार्ज डक्ट्स ऑफ पैनक्रियास, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या बचा हमारे पास, रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी में अगर मैं बात करूँ तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई तो इसमें आ गए, अब बचे ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना। तो ब्रोंकियोल्स के अंदर कौन सा होता है हमारे पास, एक तरीके से क्यूबॉइडल, ठीक है ना। जो हमारे पास इनिशियल ब्रोंकियोल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इनिशियल या स्मॉलर ब्रोंकियोल्स, सॉरी ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स के बाद सबसे पहले इनिशियल ब्रोंकियोल्स है, और फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है। तो इनिशियल ब्रोंकियोल्स में हमारे पास क्या होगा, यहाँ तो सूडो स्ट्रैटिफाइड था, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलमनार। तो इनिशियल वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनिशियल वाले में, इनिशियल ब्रोंकियोल्स में हमारे पास कॉलमनार हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स कॉलमनार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलमनार। और क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है तो यहाँ पर सिलिया प्रेजेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिलिएटेड, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास इसके नीचे आता है, ठीक है ना, ये हमारे पास इनिशियल ब्रोंकियोल्स हो गया, ये हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हो गया। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में क्या होगा, ऊपर वाले से भी पतला हमारे पास एपिथीलियम होगा, यानी क्यूबॉइडल एपिथीलियम होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टर्मिनल एपिथीलियम, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है तो इस वजह से सिलिएटेड होगा, सिलिया प्रेजेंट होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके नीचे हमारे पास एल्वोलाई आती है, तो एल्वोलाई तो हमारे पास स्क्वैमस की होगी, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स बचते हैं, जैसे कि इस टिश्यू के एग्जांपल बचते हैं कॉलमनार के, तो ये याद रख लेना। तो ये हमारे पास एक तो हमारे पास लैरिंग्स है, एक हमारे पास एपिग्लोटिस है, ठीक है। तो लैरिंग्स तो आपको पता है वॉइस बॉक्स होता है, और ये हमारे पास रेस्पिरेटरी उसमें भी आता है हमारे पास, क्या बोलते हैं हमारे पास ट्रैक में भी आता है। तो इस वजह से ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिलिएटेड हो जाएगा, और ये हमारे पास नॉन सिलिएटेड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक रह जाता है वजाइना, तो ये तीन रह जाते हैं वजाइना, ये आप ऐसे याद रख सकते हो। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है। और इसे एक बार दोबारा देखना, अगर आपको समझ नहीं आया, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। पर उससे पहले आपको बेसिकली थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर, मतलब ये जो सिस्टम है बेसिकली इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आपको ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी। तो बस आज के लिए।